नमस्कार, सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं सागर मिश्रा। आज दिनांक 11 अप्रैल सन 2012। कैसा रहा अब तक के खबरों का हाल, सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 30 वर्षीय युवक की संदेहास्पद स्थिति में लाश मिली, हत्या का अंदेशा। अनाज से भरे 11 ट्रकों को यातायात विभाग ने लगाया जैमर। संत आसाराम बापू का अवतरण दिन उत्साह से मनाया गया। कार और बाइक की भिड़ंत में एक घायल, मोर्शी रोड की घटना। और राष्ट्रपिता महात्मा फुले की 186वीं जयंती पर विनम्र अभिवादन। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक हैं। इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर, आ जा। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जा। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अब देखते हैं शहर का आईना एवं विश्व समाचार। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थोर समाज सुधारक राष्ट्रपिता महात्मा फुले, इनकी 186वीं जयंती महानगर में विभिन्न कार्यक्रम से मनाई गई। शहर के चित्रा चौक स्थित महात्मा ज्योतिराव फुले के पूर्णाकृति पुतले को अभिवादन करने हेतु शहरवासियों की भारी भीड़ उमड़ी थी। समाज में फैले अज्ञान, अंधविश्वास, दाम्भिकता, भेदभाव, स्त्री पुरुष भेदभाव, विषमता, ऐसी सामाजिक बीमारियों को दूर कर तथा ज्ञान, शिक्षा, स्त्री पुरुष समानता, सामाजिक समानता, स्त्री शिक्षा का पुरस्कार करके देश में एक नव परिवर्तन करने वाले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत थोर समाज सुधारक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, इनकी 186वीं जयंती शहर के विभिन्न इलाकों में सामाजिक उपक्रमों के साथ मनाई गई। शहर में जगह जगह तथा शासकीय कार्यालयों में महात्मा फुले को अभिवादन किया गया। ऐसे ही स्थानीय चित्रा चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा फुले जयंती उत्सव समिति द्वारा क्रांति पर्व 2012 का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर महापौर सौ वंदना कंगाले ने महात्मा फुले के पूर्णाकृति प्रतिमा का पूजन तथा हारार्पण कर अभिवादन किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित मान्यवरों ने महात्मा फुले के जीवन चरित्र तथा सामाजिक आंदोलन में दिए अमूल्य योगदान पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर महात्मा फुले को अभिवादन करने मनपा स्थायी समिति सभापति चेतन पवार, ज्येष्ठ स्वतंत्र संग्राम सेनानी मानिकराव मोरे तथा आर खेरडे, पूर्व उपमहापौर डॉक्टर गणेश खारकर आदि मान्यवरों सहित शहर के सामाजिक कार्यकर्ता तथा नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे। ज्योतिबा फुले जयंतीच्या सर्व अमरावतीवासियांना मी शुभेच्छा देतो आणि महात्मा ज्योतिबा फुलेंनी शिक्षणाच्या चळवळीमध्ये जे देशासाठी योगदान केलं ते आत्मसात सर्वांनी करावं अशी मी विनंती करतो। स्थानीय चित्रा चौक स्थित राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिराव फुले को जयंती दिन पर अभिवादन करने फुले शाहू आम्बेडकरी चळवळ के कार्यकर्ताओं का सुबह से ही आना जाना लगा हुआ था। शहर के फुले शाहू आम्बेडकर के विचारों से प्रेरित होकर सामाजिक परिवर्तन का कार्य करने वाली समता परिषद द्वारा भी राष्ट्रपिता महात्मा फुले को अभिवादन किया गया। शहर में कार्यरत विभिन्न राजकीय पार्टियां, सामाजिक संगठन, सेवाभावी संस्था आदियों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता तथा माली समाज बांधवों ने भी राष्ट्रपिता महात्मा फुले के पूर्णाकृति पुतले को अभिवादन किया। इसी तरह शहर के विभिन्न इलाकों में तथा शासकीय कार्यालयों में राष्ट्रपिता महात्मा फुले के 186वें
जयंती पर अभिवादन किया गया। करीबन 37 वर्ष पूर्व 14 अप्रैल 1975 के दिन स्थानीय चित्रा चौक परिसर में राष्ट्रपिता महात्मा फुले का पूर्णाकृति पुतला का अनावरण तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शंकर राव चौहान के हाथों किया गया था। इस महापुरुष का पुतला महानगर में होने से महानगर के सामाजिक चळवळ तथा फुले शाहू आम्बेडकरी आंदोलन के कार्यकर्ताओं को नवचेतना नव प्रेरणा मिलती है। सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता महात्मा फुले के 186वें जयंती दिन पर सिटी चैनल परिवार द्वारा उनके स्मृति को विनम्र अभिवादन। सैन्य दल तथा पुलिस दल पद भर्ती हेतु छात्रों को प्रशिक्षित करने के उद्दान्त उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग द्वारा सैन्य पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। विभाग के अनुसूचित जाति व नव बौद्धि के लिए चलाए गए इस 3 माही शिविर का बुधवार को समापन किया गया। सामाजिक न्याय विभाग, विभागीय समाज कल्याण अधिकारी तथा हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के संयुक्त तत्वाधान में अमरावती विभाग के अनुसूचित जाति व नवबौद्ध घटकों के लिए 3 महीनों तक सैन्य पुलिस भर्ती पूर्व प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था। सैन्य दल तथा पुलिस दल पद भर्ती हेतु छात्राओं को प्रशिक्षित तथा मार्गदर्शित करने के उदात्त हेतु से लिए गए इस शिविर में 200 से अधिक प्रशिक्षणार्थियों ने सहभाग लिया। अपना मना मध्ये आणि आपका फिजिकल मध्ये त्यांनी इंट्रोड्यूस केलेला आहे, कोशिश आपण बसवलेला तरीका आणि ताली बजाते है उसमें समझ में आ रहा है। इंगले जी और माधव जी ने काफी अच्छे से आपको मार्गदर्शन किया है, इसके लिए थोड़ा सा कन्वेंशनल फॉर्मेट से हटके आपको मैं कुछ आइडियाज देना चाहता हूँ। पुलिस अधीक्षक का रूप अभी तक मैं 2 भर्ती कंप्लीट कर चुका हूँ। गढ़चिरौली में काफी मोटे भर्ती मैंने कंप्लीट किया है, उसमें 30,000 लोग सहभाग लिया है 2010 में 2009-10 में। पुलिस और सेना में आने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस को हमने भर्ती के समय में सिर्फ एक क्वालिफाइंग स्वरूप दिया है। किसको किसको 50 मार्क का ऊपर है फिजिकल फिटनेस में वो लोग पूरा क्वालिफाइड, ऐसा ही बेसिक क्राइटेरिया हमने रखा है। परंतु कितने ज्यादा मार्क आप फिजिकल में ले सकते हैं उसका डिपेंडेंट है आपका सिलेक्शन। सिलेक्शन के बाद में आपका पूरा टेन्यूर में बुधवार को इस शिविर का प्रशिक्षणार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित कर समापन किया गया। इस प्रशिक्षण के समारोपीय कार्यक्रम के दौरान SRPF के समादेशक बाबा साहब इंगड़े, समाज कल्याण उपायुक्त माधव वैद्य, संजय तिरथकर, जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक जय कुमार आदि मान्यवरों सहित प्रशिक्षण के आयोजक, प्रशिक्षक तथा प्रशिक्षणार्थी प्रमुखता से उपस्थित थे। संत आसाराम बापू इनका 72वां अवतरण दिन महानगर में उनके अनुयायियों ने पूरे भक्ति भाव और उत्साह भरे धार्मिक वातावरण में मनाया। श्री दिव्य योग विद्वान समिति द्वारा बुधवार को आयोजित इस अवतरण दिन समारोह में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम संपन्न हुए। श्री योग वेदान समिति अमरावती की ओर से बुधवार को 72 दीप प्रज्वलित कर संत आसाराम बापू का 72वां अवतरण दिन मनाया गया। दीप प्रज्वलन कर संत आसाराम बापू के अनुयायियों ने आसाराम बापू की प्रतिमा खुर्ची नुमा झूले पर रखकर आसाराम बापू के अवतरण गाथा सत्संग से प्रसारित की गई। दौरान तनाव रहित भावपूर्ण वातावरण में हाथ ऊंचा कर ओम शब्द का उच्चारण किया गया जो लक्ष्य वेदी रहा। उसी उत्साहपूर्ण वातावरण में श्री योग वेदान समिति द्वारा रेल हादसा होने से पूर्व ही
उसे रोकने में कामयाब हुए चंदू सोस्तिया का हृदय स्पर्शी सम्मान किया गया। योग वेदांत समिति के मानव बुद्धदेव ने सत्कार मूर्ति चंदू सोस्तिया का परिचय कराकर उन पर शुभकामनाओं के फूल बरसाए। माननीय श्री चंदू जी सोजतिया यांच्या सोबत प्रदीप भाई सोजतिया सुद्धा आज आपल्या मध्ये उपस्थित आहे। तर मी अग्रवाल काकांना विनंती करतो की समिती तर्फे पुष्पगुच्छ देऊन त्यांचं इथे स्वागत करावं। अमरावती मीडिया जगत का एक सुपरिचित सुप्रसिद्ध नाम है चंदूभाई सोजतिया। समाज के लिए कुछ अच्छा करना, तो चंदूभाई सोजतिया का सत्कार में हम आज इसी एक उद्देश्य से यहाँ करने जा रहे हैं। एक महीने पूर्व लगभग 10-11 मार्च की तारीख होगी, उस दिन चंदूभाई सोजतिया ने एक अपनी सतर्कता और तत्परता से एक बहुत बड़ी रेल दुर्घटना टाली है। चोर तो फरार हो गए, लेकिन चोर के साथ साथ एक बड़ी रेल दुर्घटना की जो संभावना थी वो भी फरार हो गई। और उस समय कई संस्थाओं ने, कई संगठनों ने चंदू भाई का सत्कार किया, उनका सम्मान किया। ओम गम गम गणपते नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री गुरुदेव नमः, समर्पयामि पूज्य सत्पुरुष भगवान की। सत्कार क्या है उसके लिए मैं आयोजक होगा और आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि जो कार्य मैंने किया बहुत कोई ऐसा कार्य नहीं कि सत्कार किया जाए, लेकिन आम नागरिकों का ध्यान इस ओर से हट जाता है। मैंने भी सत्कार इसलिए स्वीकार किया कि ताकि ये प्रेरणा सबको आगे जाकर मिले कि कहीं पर भी हम ऐसी स्थिति देखें कि जो समाज के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्था के लिए नुकसानदेह हो सकती है, तो हमारी थोड़ी सी जानकारी और थोड़ी सी सूचना वो होने वाली हानि को टाल सकती है। और इसके लिए ये भी उतना ही सच है कि यदि मैंने वो कार्य किया, आज की प्रशासनिक व्यवस्था और सारी स्थिति देखते यदि आम नागरिक वह कार्य करता तो शायद ना ही उसका सत्कार होता, ना ही प्रशासन वहां पर आता, ना ही पुलिस वहां पर आती, ना ही दुर्घटना चलने की संभावना रहती। लेकिन आप लोगों के साथ में हमारा सिटी चैनल और हमारी टीम हमेशा साथ में, आप कहीं पर भी ऐसा देखते हो यदि प्रशासन आपकी नहीं सुनता है तो आप हमें खबर करिए, हम आकर वहां पर प्रशासन को जगाने की कोशिश करेंगे और आपकी बात जो आपकी समस्या है वो उसका निराकरण करने की कोशिश करेंगे। सिटी चैनल के नासिर जमाल उर्फ कन्नू भाई, इनका भी इस समारोह में सत्कार किया गया। श्री योग वेदांत सेवा समिति बापू के आदर्श पर चलती है और इन्हीं आदर्शों का पाठ पूरे शहरवासियों तक सिटी चैनल धार्मिक प्रसारण द्वारा कराता है। इस धर्म प्रसार के कार्य के लिए भी समारोह दौरान सिटी चैनल को बधाइयां दी गई। इस तरह महानगर में संत आसाराम बापू का अवतरण दिन पूरे उत्साहपूर्ण धार्मिक वातावरण में सम्पन्न हुआ। मावली जागीर थाना अंतर्गत आने वाले डॉक्टर लाहुटी के खेत में एक 30 वर्षीय व्यक्ति की लाश संदेहास्पद स्थिति में पाई गई। गांव वालों ने इसे हत्या करार दिया है। मावली जागीर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत आने वाले माहौली मार्ग पर स्थित डॉक्टर लाहुटी के खेत में एक 30 वर्षीय व्यक्ति का शव संदेहास्पद स्थिति में पुलिस ने जब्त किया। मृतक की पहचान माहौली निवासी 30 वर्षीय राजू महादेवराव खंडारे के रूप में हो चुकी है। बुधवार को राजू खंडारे का शव डॉक्टर लाहुटी के खेतों में पाया गया। खेती में पानी दिया जा रहा था और खेती के चारों ओर बिजली के तार लगे थे। गांव वालों का यह आरोप है कि मृतक को बिजली का करंट देकर उसकी हत्या कर दी गई है। अब पुलिस इस हत्या की घटना की गुत्थी कैसे सुलझाएगी यह देखना है। स्थानीय न्यू कॉटन मार्केट के माल धक्के से निकले हुए 11 ट्रकों को यातायात विभाग के कार्यवाही के चलते जामर लगा दिया गया। इन 11 ट्रकों पर नो एंट्री की कार्रवाई की गई है। आगे की जांच यातायात पुलिसकर्मी कर रहे हैं। शहर में नो एंट्री लागू रहते हुए भी नो एंट्री में एंट्री किए 12 ट्रक बुधवार को यातायात शाखा ने डिटेन कर लिए। शहर में नो एंट्री है ये पता होने के बावजूद भी नियम तोड़कर शहर में प्रवेशित हुए अनाज का वहन कर रहे 12 ट्रकों पर जब्ती की कार्रवाई कर पुलिस ने सारे ट्रक यातायात विभाग में खड़े कर लिए। इस बीच
ट्रक ड्राइवर और यातायात पुलिस के बीच शाब्दिक घमासान होने की खबर भी है। कुछ देर के लिए इस परिसर का वातावरण तनावपूर्ण देखा गया था। शहर यातायात निरीक्षक राज माने ने सिटी न्यूज को जानकारी देते हुए बताया कि इन ट्रकों पर नो एंट्री तोड़ने की कार्रवाई की गई है। अपने शहर अमरावती शहरा मध्य 25 फेब्रुवारी 2011 मध्य अधिसूचना काढली होती। माल धक्का असू दे किंवा बाहेरचे ट्रक्स असू दे, त्यांना शहरामध्ये सकाळी 7:30 ते रात्री 9:30 पर्यंत नो एंट्री आहे। तर असे ट्रक हे दुपारच्या वेळेला ज्यावेळेला ट्रॅफिक कर्मचारी जेवायला जातात त्याचा गैरफायदा घेऊन हे असे ट्रक शहरामध्ये घुसण्याचा प्रयत्न करतात आणि अलीकडं याचे प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणात वाढलं होतं अशा तक्रारी पण आमच्याकडे प्राप्त झाल्या होत्या। त्या अनुषंगानं आम्ही कालपासून एक स्क्वॉड तयार केला होता। दुपारी 12:30 ते संध्याकाळी 8 वाजेपर्यंत एक स्पेशल स्क्वॉड त्यांना खास 30 ड्युटी दिली होती आणि आजच्या कारवाईमध्ये PSI शिंदे आणि 5 कर्मचारी असे आम्ही डेपोर्ट केले होते। त्या अनुषंगानं आज त्याने शहरामध्ये सर्व ठिकाणी गस्त घालून विशेष करून गांधी चौक, दीपक चौक, रेल्वे स्टेशन चौक, मालवीय चौक या भागात गस्त करून हे ट्रक जे अनाधिकृतपणे म्हणजे नो एंट्री नसताना जे हेवी ट्रक्स माल वाहू ट्रक जे शहरामध्ये एंट्री करतात त्यांच्यावर कारवाई करण्यात आली। ते सर्व ट्रक ट्रॅफिक ऑफिस या ठिकाणी जमा केलेले आहेत। आतापर्यंत 17 ट्रकवर आपण कारवाई केलेली आहे आणि जे 13 ट्रक आहेत ते तर सध्या आपल्या ट्रॅफिक ऑफिससमोर त्यांना डिटेन केलेलं आहे। कारण आता ते डिटेन करण्याचं कारण असंच आहे की आता सध्या आपल्या नो एंट्री असल्यामुळे आपण त्यांना सोडू शकत नाही। रात्री 9:30 नंतर ज्यावेळेला नो एंट्री सुरू होईल त्यावेळेला त्यांना सोडण्यात येईल। तरीसुद्धा त्यांनी अनाधिकृतपणे आपल्या अधिसूचनेचं उल्लंघन करून नो एंट्रीच्यामध्ये धोकादायक वाहन चालवून नो एंट्रीमध्ये घुसले याबाबत त्यांना कलम 184 आणि कलम 179 मोटर व्हेकल कायदा याप्रमाणे त्यांना त्याच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे आणि त्यांच्यावर त्यांच्याकडून किमान 700 रुपये मिनिमम फाईन भरून घ्यायची तजवीज ठेवलेली आहे। बालिका बचाओ अभियान के अंतर्गत जिलाधिकारी कार्यालय में बुधवार को सिटीजन फोरम सभा संपन्न हुई। यह अभियान को शहरी तथा ग्रामीण भागों में चलाए जाने पर ज्यादा जोर दिया गया। देखते हैं क्या दर्शा रहा है हमारा आज के कार्टून को ना। अब एक नजर मौसम की खबरों पर। आज का सुविचार कहता है कि आप जितना प्रेम देंगे उतना प्रेम पाएंगे। आपके पास प्रेम जितना अधिक होगा इसे दान करना उतना ही सहज हो जाएगा। अब नजर डालते हैं कुछ मुख्य खबरों पर। स्थानीय गाड़गेनगर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मोर्शी रोड पर शिवाजी कृषि महाविद्यालय के पास इंडिको कार व बाइक में जबरदस्त भिड़ंत हुई जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। बुधवार की दोपहर 5:30 बजे मोर्शी रोड पर MH37BB9867 क्रमांक की इंडिको कार अमरावती की ओर आ रही थी। मोर्शी रोड पर शिवाजी कृषि महाविद्यालय के पास विरुद्ध दिशा से आ रही MH27AH3427 क्रमांक की हीरो होंडा फैशन इंडिको कार से टकराई। इस हादसे में बाइक सवार हवा में उछलकर गाड़ी समेत कार की विंड स्क्रीन पर गिरा और गंभीर रूप से घायल हुआ। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल बाइक चालक को एक निजी अस्पताल में उपचार हेतु दाखिल किया गया। इस मामले में गाड़गेनगर पुलिस की अधिक जांच जारी है। जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। 30 वर्षीय युवक की संदेहास्पद स्थिति में लाश मिली, हत्या का अंदेशा। अनाज से भरे 11 ट्रकों को यातायात विभाग ने लगाया जैमर। संत आसाराम बापू का अवतरण दिन उत्साह से मनाया गया। कार और बाइक की भिड़ंत में एक घायल, मोर्शी रोड की घटना।
और राष्ट्रपिता महात्मा फुले की 186वीं जयंती पर विनम्र अभिवादन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पद पर। हमारा पता वही सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लाइन 77 अमरावती और हमारा फोन नंबर है 2563833। या आप हमसे फेसबुक ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं या हमें ईमेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन करें www.citynews.net.in पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अर सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स